नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आदेश अभिमन्यु। लगातार चुनाव की तारीख जो है वो लगातार नजदीक आती जा रही है और हरियाणा और महाराष्ट्र में उथल-पुथल जो है वो देखने को मिल रही है। सभी राजनीतिक दल, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सभी राजनीतिक दल पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। इस वक्त क्या चल रहा है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हरियाणा में बिल्डरों को कैसे बांटी गई करोड़ों की जमीन, ओम प्रकाश चौटाला कर रहे हैं चुनावी प्रचार, बीमारी या धोखा। महाराष्ट्र में सिंचाई और आदर्श घोटाले से हुई पैसे की लूट। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बिना गठजोड़ चुनावी महासमर में उतरी किसी भी पार्टियों के लिए रास्ता आसान नहीं। कांग्रेस शासित दोनों ही राज्यों की सरकारों पर घोटालों के गंभीर आरोप लगे। लोकसभा चुनाव में अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी कांग्रेस के लिए दोनों ही राज्यों में अपनी खिसकती जमीन बचाने की कड़ी चुनौती है। वहीं मोदी लहर के चलते कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने में कामयाब रही बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा चुनाव में दोहराने का सुनहरा मौका है। हरियाणा को भी आप चाहते हैं दुनिया में डंका बजे, आप चाहते हैं हरियाणा में हिंदुस्तान का डंका बजे, आप चाहते हैं हरियाणा आगे बढ़े, उसकी पहली शर्त है कांग्रेस मुक्त हरियाणा होना चाहिए। पिछले 10 सालों से हरियाणा की गद्दी पर काबिज कांग्रेस के लिए जबरदस्त चुनौती है। जमीन घोटाले के चलते बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस के लिए कद्दावर नेताओं की नाराजगी भारी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी के खेमे में खड़े चौधरी वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस जो चारों तरफ से जबरदस्त चुनौतियों की सामना करना पड़ रहा है। जो झूठे सपने, सिर्फ झूठे सपने की काफी, लेकिन असल ये अब सामने आ रही, लोग उनकी कतली और करने का अंतर समझने समझने लगे। वहीं इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला और बेटे अजय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा, लेकिन चुनाव से पहले ओम प्रकाश चौटाला गंभीर बीमारी का हवाला देकर जमानत पर जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए, जिसको लेकर बीजेपी सहित तमाम दल आक्रामक मुद्रा में है। कोई काम हो तो चंडीगढ़ जाना सरल होगा कि तिहाड़ में जाना सरल होगा? आप मुझे बताइए, आपको सरकार का काम हो तो आप चंडीगढ़ जाना पसंद करेंगे कि तिहाड़ जाना पसंद करेंगे? निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आपको करना है। मेरे भाइयों बहनों, निर्णय आप कीजिए और हरियाणा का भाग्य बदलिए। हरियाणा जनहित कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी हरियाणा में अकेले ही ताल ठोक रही है। कार्यकर्ताओं का जोश और ओपिनियन पोल्स के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता के हाथ में है। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस वक्त कांग्रेस की अगर बात करें हरियाणा में, तो उसकी नाव जो है वो डूबती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो लगातार लगे हैं, और साथ ही साथ अगर बात की जाए हुड्डा सरकार की, तो उनके भीतर भी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बिना गठजोड़ वाले चुनावी महासमर में उतरी किसी भी पार्टियों के लिए रास्ता आसान जो है वो नहीं है। कांग्रेस शासित दोनों ही राज्यों के सरकारों पर भ्रष्टाचार और घोटालों के गंभीर आरोप लगे हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी कांग्रेस के लिए दोनों ही राज्यों में अपनी खिसकती जमीन बचाने की कड़ी चुनौती है। वहीं मोदी लहर के चलते कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने में कामयाब रही बीजेपी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। भरोसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी का है। जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में महाप्रचार जो है वो किया गया था, चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लगे थे और सफलता जो है वो भी मिली थी, बंपर जीत हासिल हुई थी लोकसभा चुनावों में,
लेकिन अगर कुछ उपचुनाव पर ध्यान दें तो बीजेपी के साख जो है वो खिसकती नजर आई, और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी को आगे किया गया है। नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हरियाणा की बात करें, कुछ आंकड़ों पर अगर ध्यान दिया जाए, 2009 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल सीटें 90 सीटें थी, 40 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, हचका को 6 सीटें मिली और बीजेपी महज 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इनेलो की अगर बात करें तो 30 सीटें मिली थी, अकाली दल 1 सीट, बीएसपी 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिली थी। तो ये कुछ आंकड़े हैं 2009 के जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल 90 सीटें थी, 40 सीटें कांग्रेस के पास, हचका के पास 6 सीटें और 4 सीटें बीजेपी के खाते में पहुंची थी। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब स्थिति उलट है, अब गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। हरियाणा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, रैली उन्होंने की और संबोधन किया जनता को, क्या कुछ कहा इस संबोधन में नरेंद्र मोदी ने वो आपको सुनाते हैं। हर सरकारों ने, सरकार के मुखियाओं ने सिर्फ अपने परिवार के लिए दुकानें चलाई हैं, और जब तक ये दुकानें बंद नहीं करोगे हरियाणा की शान शौकत बढ़ने वाली नहीं है। मैं कुरुक्षेत्र का सेवक बन गया हूं, कुरुक्षेत्र में टूरिज्म बढ़ाना है, और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है कम से कम पूंजी लगाने से भी टूरिज्म का काम चलता है, और आज के युग में तो टूरिज्म का बहुत महत्व है। टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। टेररिज्म तोड़ता है, टूरिज्म जोड़ता है। किसी समारंभ में मेरे साथ मंच पे बैठे होंगे, अब सार्वजनिक जीवन में तो हर किसी से फोटो निकलती है, तो मेरे साथ वाली फोटो छाप करके गांव गांव बांट रहे, घर घर, हम मोदी को साथ देने वाले हैं, हमें वोट दो। बताओ, हम मोदी को साथ देने वाले हैं, हमें वोट दो। बाबा माफ करो, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। मुझे 125 करोड़ देशवासियों ने बहुत साथ दिया है, अब मुझे तिहाड़ वालों का साथ नहीं चाहिए। जनता को कांग्रेस के प्रति कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, ये आज चारों तरफ नजर आ रहा है। और मैं देख रहा हूं इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हरियाणा की विधानसभा में डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी, डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी, 10 से नीचे रह जाएगी। और इसका कारण उनके अपने पाप है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ सुरेश वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। दुष्यंत कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने अभी नरेंद्र मोदी को सुना, साफ तौर पर परिवारवाद को खत्म करना है, और आपकी जो सीटें आएंगी हरियाणा में वो 10 से कम होंगी। देखिए, प्रधानमंत्री हैं और अपोजिट पार्टी के हैं, तो वो इस तरह का कोई ना कोई लोभ लुभावन या गुमराह करने वाला भाषण तो देंगे ही। दूसरा, वो जो पार्लियामेंट में जो प्रचार वो करके आए थे, जो गुमराह करके आए थे, जो सपने दिखा के आए थे, पहले उनकी बात तो करें कि उन्होंने वो कितने सपने पूरे किए हैं, कितने वादे पूरे किए हैं। तो अब वो अगर देश की जनता उनकी इस हकीकत को समझ गई है, वो अपने लीडर्स तो बताएं कि उन किन लीडर्स को वहां प्रमोट करेंगे, किन लीडर्स को वहां बनाएंगे, क्या वो उसके हरियाणा के भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे, महाराष्ट्र के भी वही बनेंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जिस पार्टी के पास में अपने लीडर्स स्टेट में नहीं है, वो पार्टी किस दमखम पे, और उस पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री किस दमखम पे ये बात कह रहे हैं कि वो सरकार बनाने वहां जा रहे हैं, वहां कोई उनका कैडर ही नहीं है। और जो लीडर्स आपके भी तो वहां अगर उन्होंने आयात किए हैं, कुछ आउटसोर्स उन्होंने कुछ लीडर्स किए हैं, तो उसके अगर वो दमखम रखे हैं तो वो बात है, उसको बताएं कि वो अपने लीडर्स को तो आगे करें। वो प्रदेश की जनता जो है वो जानना चाहती है उनके पास लीडर्स कहां है। दुष्यंत जी, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हुड्डा के खिलाफ जो है आपके भी नेता हैं,
नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है, तो आपके पास भी वही स्थिति है? देखिए, जो सक्षम लीडर्स होते हैं उनका अपोजिशन हमेशा होता है, उनकी आलोचना भी होती है, लेकिन कांग्रेस काम के प्रति समर्पित पार्टी है, विकास के प्रति समर्पित पार्टी है, और हम वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन हरियाणा थर्ड टाइम, और अच्छा। वो उसमें भी होगा, महाराष्ट्र में भी यही होगा, लेकिन फिर भी जो दुष्प्रचार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो उनका काम है, क्योंकि वो उस पार्टी के हैं तो वो दुष्प्रचार तो निश्चित तौर से करेंगे ही। किस तरीके का दुष्प्रचार? जो दुष्प्रचार वो ये कर रहे हैं कि वो यहाँ टूरिज्म लाएंगे, वहाँ सफाई करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो पहले वो ये बताएं कि जो सपने उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शंस में आज से चार महीने पहले दिखाए थे, तो जरा उनमें से एक आध तो बताएं। अभी तो उन्होंने जवानी जमा खर्च किया, कुछ काम तो वही तो वो कह रहे हैं कि 60 साल में आपने जो राज किया है, 60 दिन में आप मांग कर रहे हैं कि वो चीजें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इसी चैनल पे इस बात को सुन के गया था। आप एक बार बताइए, क्या देश की जनता को जानने का हक नहीं है? क्या अगर आप देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं तो क्या देश की जनता आपसे ये नहीं, उन्होंने ये कहा था महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे हम, क्या महंगाई कम हो गई? और क्या जो बातें वो कह रहे हैं, आज वो नेहरू गांधी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनको देर आए, दुरुस्त आए, उनको देर में ये शिक्षाएं आई गांधी जी की और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, इंदिरा गांधी जी की। आज अगर कोई कहने लग जाए कि जी हम स्वच्छ भारत चाहते हैं, हम स्वच्छ प्रदेश चाहते हैं, स्वच्छ गांव चाहते हैं, वो कब का एजेंडा कांग्रेस का है? कब? जब देश आजाद हुआ तब महात्मा गांधी जी ने वो शुरू किया था, उसके बाद जो भी सरकार आई उस सरकार ने उस पर काम किया। श्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में काम किया। आज अगर क्या नाम है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई अप्रत्याशित बात नहीं है कि अगर बाई दे मोदी जी कल ये कहते हैं कि हम पंचायती राज लाना चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी है देश में, तो कल वो ये कह सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी कोई विरासत नहीं है। तो इसलिए वो उस तरह के लीडर्स का, जो हमारे लीडर्स हैं, उनका नाम लेके वो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, थोड़ा धोखा पैदा करना चाह रहे हैं। अब मौका है कि उनको इतना टाइम हो गया है देश में राज करते हुए कि वो कम से कम एक आध बात डिलीवर करें। दुष्यंत जी, राव इंद्रजीत सिंह जी और साथ ही साथ बीरेंद्र सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए और नाराजगी जो है वो हुड्डा से थी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनको ऐसा तो कुछ लगा होगा कि हाँ बीजेपी जो है उसकी सरकार आ सकती है, इस बार सत्ता में आ सकती है, इसलिए उन्होंने छोड़ा। नहीं, मैं आपको एक बात इसमें बताता हूँ। देखिए, आपने जो बहुत प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमेशा ये जो लीडर्स हैं, जिन लीडर्स के आप नाम ले रहे हैं, वो हमेशा कांग्रेस में शीर्ष पे रहे हैं, और उनकी जो अपेक्षाएं थी वो और भी शीर्ष की थी, और वहां कहीं टकराहट की बात थी, और पार्टी में पेशेंस की जरूरत होती है, एकदम एक साथ कई सारे सीएम तो नहीं बन सकते हैं, मंत्री बहुत सारे बन सकते हैं, सीएम तो एक ही होता है, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, तो उसी लिए पार्टी, उन्होंने सोचा कि उनको वहां जाके कुछ फायदा होगा, लेकिन उन्हीं लीडर जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्हीं लीडर का एक दो वो तीन कॉलम का एक बयान छपा है कल के अखबार में, उन्होंने कहा कि मुझे एमएलए का टिकट तक नहीं दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि और क्या, मतलब इससे ज्यादा बड़ा साक्ष्य क्या होगा। जो लोग वहां गए भी हैं वो भी परेशानी में, वो भी पछता रहे हैं, और ये हकीकत है कि बीजेपी का वहां कोई कैडर नहीं है, बीजेपी का वहां कोई फॉलोअर नहीं है। हमारे लीडर्स जो कुछ वहां गए हैं उनसे कुछ नजर आने लगा है कि कुछ उनको ये गलतफहमी पैदा हो गई है। ऊपर से जो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, जो पार्लियामेंट में दे रहे थे, अब एक बार बताइए, प्रधानमंत्री अमेरिका के अंदर ये कह रहे हैं आप लोग सफाई करेंगे, सफाई अभियान में शामिल होंगे, तो हाथ उठा के वो शोर करें हाँ जी हम सफाई करेंगे। अमेरिका, वहां तो पहले ही बहुत ज्यादा सफाई है अमेरिका में, तो क्या यहाँ आएंगे सिंबॉलिक? आप बताइए। चलिए चलिए, ऐसा नहीं है, काम बहुत अच्छा है, हमारी शिक्षाएं उन्होंने ली है, महात्मा गांधी जी की शिक्षाएं ली है और कांग्रेस की शिक्षाएं ली है, लेकिन देर से ली है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। सुरेश वर्मा जी, जिस तरीके से आपने दुष्यंत जी को सुना, किस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही है, वो दुष्यंत जी को लग रहा है, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले मैं आपकी बात पर आता हूं, जो आपने बताया था कि उपचुनाव में आपने बताया था कि बीजेपी के अच्छे रिजल्ट नहीं रहे, वो एक हकीकत है, लेकिन उपचुनाव को इस चुनाव से कंपेयर करना भारी भूल होगी, क्योंकि उपचुनाव में न तो बीजेपी के शीर्ष नेता थे और न ही नरेंद्र मोदी थे, और उपचुनाव का एक ट्रेंड रहा है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसी को जाता है बहुमत, चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, कुछ आश्चर्यजनक परिणाम हुए, जैसे गुजरात में कुछ सीट हारी बीजेपी, राजस्थान में हारी, वो एक आंकलन का विषय बीजेपी के लिए हो सकता है। दूसरी बात पर आता हूं, मोदी जी की बात, जो जिस तरह से मोदी जी कैंपेन कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो एक मैंडेट मांग रहे हैं चेंज के लिए, और जो विरासत की दुष्यंत जी ने बात की, मोदी जी के पास जो विरासत है उस पर हर सिटीजन को फक्र होना चाहिए। वो विरासत क्या है? वो विरासत है परिवारवाद के खिलाफ। मोदी जी के पूरे इतिहास में कहीं उनका परिवार नहीं दिखा, मुख्यमंत्री रहे इतने सालों तक, प्रधानमंत्री हैं, कहीं उनका परिवार नहीं दिखता, उनके स्वेयरिंग इन में भी कोई परिवार का व्यक्ति नहीं था। उनका जो विरासत है गुड गवर्नेंस का विरासत है, जो उन्होंने गुजरात में डिलीवर किया,
और उस गुड गवर्न आज जो इन्होंने बात किया, जो आपने देखा कि टूरिज्म यूनाइट्स एंड टेररिज्म डिवाइड्स, ये जो इनका है ये तो गुजरात से ही ये देते आ रहे हैं। जो गुजरात में जिस तरह से इन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया, जिस तरह से गुजरात टूरिज्म मैप पर आया, तो ये एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद, परफॉर्मेंस गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के बाद, वो उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं हर स्टेट में। उन्हें पता है कि जो प्रधानमंत्री है वो स्टेट में कुछ नहीं कर सकता। जब पहली जब भाषण हुई थी मोदी जी की, तो उन्होंने कहा था कि पुलिस हमारे अंडर नहीं है, मैं प्रधानमंत्री हो सकता हूं लेकिन पुलिस जो है वो स्टेट के अंडर है। तो अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको ऐसे पार्टी को बहुमत देना होगा जो उनकी बात सुने। तो उनकी बात एक अलायंस गवर्नमेंट वाली तो अगर कोई दूसरा आता है सुनेगा नहीं। वही प्रॉब्लम आपको महाराष्ट्र में भी हो रहा है, जो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों चाहते हैं कि बीजेपी को बहुमत मिले, क्योंकि ये सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए नहीं मांगा जा रहा है, ये वोट गवर्नेंस के लिए मांगा जा रहा है। पहली बार एक आवाज आई है पूरे देश में कि देश बदलना चाहिए। जो युवा है 65% जिसकी वो बात करते हैं, वो बदला हुआ देश चाहता है, अपने आप को इंपावर्ड महसूस करता है। कांग्रेस शायद उस पल्स को नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल, आपके पास आना चाहूंगा दुष्यंत कुमार जी। जिस तरीके से हमने हरियाणा की राजनीति का जिक्र किया, इन लोग प्रमुख जो है ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात करें, तो ऐसी कौन सी उनको बीमारी हो गई है? अगर देखा जाए जेल में होते हैं तब तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रैली करते हैं, तब उनकी सेहत सही रहती है। देखिए, जो केंद्र में सरकार है वो इस बात को देखे, या इलेक्शन कमीशन इस बात को देखे, या वो जेल प्रशासन या कोर्ट इस बात को देखे कि वो किन कंडीशंस पे बाहर आए। मैं व्यक्तिगत किसी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, तो वो किन आधार जिन आधार पे वो आए हैं, अगर वो उन आधारों पे काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो उन आधारों से बाहर जा रहे हैं, उन सीमाओं से बाहर जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। और दूसरा, एक और बात हमारे मित्र बोल रहे थे जिस बात के लिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अभी आपने भी एक सवाल किया था कि भाई 60 साल का 60 दिन में क्या 60 साल में देश आगे नहीं बढ़ा, और अगर ऐसा है तो क्या आज 4 महीने बीतने के बाद में जितने 3 एजेंडे उनके पास थे, विशेष तौर से 3 एजेंडे लेकर सरकार आई थी, उन्हीं चीजों को लेकर वो प्रधानमंत्री आज भी बोले हैं, महाराष्ट्र में भी बोले हैं, आज बोले हैं कि भाई हम टेररिज्म नहीं, हम टूरिज्म चाहते हैं, हम टूरिज्म को डेवलप करेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। खाली कुरुक्षेत्र के अंदर ही क्यों, पूरे देश के अंदर क्यों नहीं? अच्छा, दूसरा एक और चीज है कि बड़ा देर से याद आया, क्या 4 महीने पहले उनको वो याद नहीं आ रहा था कुरुक्षेत्र? मैं आपसे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी सारी बातें उन्होंने कहीं मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन में, संसद के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, तो वो उनमें से एक बात को पूरा करके बताएं कि उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेके और उस बात को। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। अगर महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर देखा जाए, दो गठबंधन थे वो टूट गए हैं। अगर बात करें बीजेपी और शिवसेना की, तो 25 साल बाद अगर बात करें ये गठबंधन जो है वो टूट गया है। 4 पार्टियां हैं, चारों अकेले लड़ रही हैं। क्या कुछ होने वाला है वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे की लड़ाई आखिर में गठबंधन की गांठ खुलने से खत्म हुई। जहां 25 साल पुराना बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा, वहीं 15 साल पुराने सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी की राहें भी अलग हो गई। अल्पमत में आई कांग्रेस की पृथ्वीराज चौहान सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस और एनसीपी घोटालों के आरोपों के चलते विरोधियों के निशाने पर है। आदर्श घोटाले में नाम आने के बाद अशोक चौहान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं सिंचाई घोटाले में नाम आने के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी अपना पद छोड़ना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जहां कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, वहीं जनता के घोटालों पर पूछे सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये एक ही चप्पे कट्टे बट्टे के चप्पे हैं, दोनों की आदतें समान है, इरादे समान है, मकसद एक है, और ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी है। और इसलिए भाइयों बहनों, बहुत हो चुका। 60 साल तक जितना लूटा लूट लिया, अब मेरे नौजवानों तय करो, यह देश किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। राहें अलग होने के बाद बीजेपी और शिवसेना का आक्रामक प्रचार जारी है। शिवसेना जहां गठबंधन तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि शिवसेना गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं थी। महायुति के दूसरे दलों के साथ बीजेपी महाराष्ट्र के मैदान में है। जोरदार चुनाव प्रचार के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देते हुए शिवसेना के खिलाफ कुछ न बोलने का ऐलान किया।
जिसे चुनाव बाद बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति से ऊपर भी आदर और श्रद्धा के कुछ तत्व रहते हैं, उसको राजनीति के तराजू से तोला नहीं जा सकता है। और इसलिए ये पहला चुनाव है, उनकी गैर मौजूदगी का पहला चुनाव है, और मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके आदर में शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना भी विधानसभा चुनाव में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। 2009 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी को 13 सीटें मिली थी, मगर 2014 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस को एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट प्रतिशत काफी नीचे गिर गया। चुनावी गहमागहमी के बीच देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। तो सुरेश वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने देखा शिवसेना और बीजेपी को लेकर जिस तरीके से गठबंधन टूटा है, तो यहां सवाल ये खड़ा होता है कि शिवसेना के साथ रहना भी नहीं है और शिवसेना के खिलाफ बोलना भी नहीं है, तो ये कैसी राजनीति है? देखिए, शिवसेना के खिलाफ बोलकर बीजेपी वोट नहीं लेने वाली, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा दूसरा है। जहां तक मैं, आपने भी देखा होगा जिस तरह से मोदी जी बोल रहे हैं, बात गवर्नेंस की कर रहे हैं, यूथ को अपील कर रहे हैं, एक नया देश बनाना है, और पहली बार कोई व्यक्ति इतना बड़ा नेशनलिस्टिक प्लान को गवर्नेंस से जोड़ चुका है कि वो वोट उस पर मांग, ये पॉजिटिव मैंडेट मांग रहा है कि हमें एक मौका दो। पिछले स्पीच में भी इन्होंने बोला कि एक ऐसा मौका दो कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, और मुझे मौका दोगे तभी मैं कर पाऊंगा। तो ये एक पॉजिटिव मैंडेट मांग रहे हैं। आपने जो अलायंस की बात की, अलायंस टूटा, ये दुर्भाग्यपूर्ण इस अलायंस के लिए हो सकता है, लेकिन शायद बीजेपी के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी के रूप में इमर्ज कर रही है जो मोदी के लीडरशिप में इंडिया को गवर्नेंस एजेंडा पर लाना चाहती है। और अगर शिवसेना ने इंसिस्ट किया कि हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, अगर शिवसेना ने इंसिस्ट किया कि हम ही सीनियर पार्टनर होंगे, और शिवसेना ने इंसिस्ट किया और अपने बेटे को भेज दिया आदित्य को अलायंस करने के लिए, जो कि इंसल्टिंग रहा होगा, और एक स्टेटमेंट जो उनका आया था आपको मैं याद दिलाऊं कि टू मच ऑफ सेक्स लीड्स टू डिवोर्स, उन्होंने एक कोर्ट जजमेंट को कोट करते हुए बोला, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। और जो रियल स्ट्रेंथ है पॉलिटिक्स में, देखिए इमोशन होता है लेकिन पॉलिटिक्स में जो रियल स्ट्रेंथ है वो भी देखा जाता। और पिछली बार जो बीजेपी कम सीटों पर लड़ी थी और ज्यादा सीट जीती थी, 46 सीटें जीती थी, तो बीजेपी का एक हक बनता था मुझे लगा, और ये अलायंस टूटा। आपके पास आना चाहूंगा दुष्यंत कुमार जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेस की अगर बात करें तो लोकसभा चुनावों में करारी हार जो है वो मिली है, और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऐसा ना हो कि इस बार कुछ भी ना मिले आपको वहां। देखिए, मैं जो आप अभी अगर पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट की जो स्थिति थी वो डिफरेंट थी, और हम वहां दो टर्म की, तीन टर्म की सरकार हम चला रहे हैं। वहां जो हमने प्रदेश में काम किए हैं, अगर वहां लीडर्स की बात करें तो हमारे पास में लैक ऑफ लीडरशिप ना किसी भी प्रदेश में नहीं है, ना महाराष्ट्र में है, तो लीडर्स से मतलब नहीं है ना सर, हमारे पास हरियाणा में है। मतलब ये दूसरा, काम किया कि नहीं, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उस पार्टी का, आप अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उनकी अपनी कैबिनेट में एक मिनिस्टर रेपिस्ट है, कोर्ट ने उनको आदेश किया है, 14 मेंबर पार्लियामेंट अपराधी हैं, और दूसरे और भी कई अन्य प्रदेशों में हैं जिनमें उनका जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर है, उनके दो दो अध्यक्ष करप्शन में लिप्त थे, एक अध्यक्ष थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रिश्वत लेते हुए पार्लियामेंट में पकड़े गए, जो आज जीवित नहीं है, एक अध्यक्ष जो आपका भी गिनाना चाहूंगा आदर्श घोटाला थे। मैं आदर्श घोटाला नहीं आ रहा हूं, मैं आदर्श घोटाले पे ही आ रहा हूं, मैं आपको अध्यक्षों की बात बता रहा हूं, उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूं। जो अभी अमित शाह हैं वो सांप्रदायिक हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में दंगा फैलाने में उनका सबसे पहले सर्वप्रथम नाम आता है। तो अगर देश की जनता ऐसे लीडर्स को सामने रख के और प्रदेश के लीडर्स को की अनदेखी करके अगर वोट करेगी तो मैं नहीं समझता कि प्रदेश की जनता इस बात से अवेयर नहीं है। और अब आप जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों के जो केसेस हैं वो कोर्ट में हैं, कोर्ट के लिए मैं कोई वर्ड नहीं करूंगा कि कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो हमारे सर्वमान्य होगा। दूसरा, लोकतंत्र में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, मैंने आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला कि वो देश की जनता को गुमराह करने में कामयाब हुए पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो
ऐसे सवाल उठाने में कामयाब हुए जो पूरा कभी नहीं कर सकते। जिस तरीके से दुष्यंत जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए कांग्रेस जो उन्होंने वो कहा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री क्यों बदले जा रहे हैं बार बार? देखिए वो पार्टी का मामला है, हमारा मामला है। हमारे अगर वहां सरकार थी और हमारे गठबंधन में सरकार थी तो हम अपने मुख्यमंत्री अपने हिसाब से रखेंगे, जो प्रदेश की जनता की डिमांड होगी जो डिलीवर कर पाए। सुरेश जी, सुरेश जी आपके पास कुछ बोलना, बोलिए सुरेश जी। जी आप ये बताइए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि ये न्यू बीजेपी है। ये अगर मोदी जी नहीं होते तो बीजेपी को इतना भारी बहुमत नहीं मिलता, क्योंकि कोई नहीं सोच रहा था कि मोदी के बिना ये बीजेपी मोदी तो मोदी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, आप जो जो बोल रहे हैं मोदी जी उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। मोदी के दामन में जाकर तब बताइए, बीजेपी के लीडर है नहीं करते, पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, यही कारण या 14 मेंबर पार्लियामेंट उनके नाम पे जीत रहे हैं जो क्रिमिनल है। अगर ऐसा है तो आप कोर्ट, अगर आप बताइए ना कैसे आप करेंगे। आप एक तरफ अच्छाई के लिए मोदी जी जिम्मेदार है और जो बुराई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप मेरी बात सुनिए, मैं पूरी बात आपकी सुन रहा हूं, लेकिन आप जरा उन हकीकतों को भी जानिए, हकीकतों को बता रहा हूं, इन बातों को जो पार्लियामेंट में भरी बता रहा हूं। मोदी जी आज जिस इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए वोट मांग रहे हैं। लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टेट में कौन है, क्योंकि बीजेपी ने भी डिसाइड किया है कि मोदी जी को वोट मांगने का मतलब क्या है? मोदी जी का वोट मांगने का मतलब क्या है? मोदी इंडिविजुअल नहीं है, वक्त की कमी है, गवर्नेंस है हमारे पास, मोदी एक गवर्नेंस एजेंडा है, इंडिविजुअल नहीं है। गवर्नेंस बताएं ना, चार महीने में कुछ तो गवर्नेंस बताएं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है। ये कहा जा सकता है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी, आप शांत नहीं हो रहे इसलिए शुक्रिया करना पड़ रहा है, क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास। तो साफ तौर पर यह देखना है कि जिस तरीके से राजनीति जो है वो तेज हो गई, आपने स्टूडियो में भी देखा किस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है कि हाँ उनकी सरकार जो है इस बार भी आने वाली है। दुष्यंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है, 15 तारीख का इंतजार है जब जनता जो है बीजेपी और जितनी भी पार्टियां हैं उन सबकी किस्मत जो है वो कैद कर देगी, और जब नतीजा सामने आएगा उससे साफ हो जाएगा कि किसकी विजय हुई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।